गुड मॉर्निंग एवरीबडी. टुडे वी आर गोइंग टू कवर नोटिस इन दिस वीडियो. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आई हैव रिटन फॉर्मेट ऑफ द नोटिस व्हिच इज क्लियरली शोन इन दिस पिक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप ये देखो नोटिस का जो फॉर्मेट होता है वो हम लोगों को कैसे करना है. यू हैव टू मेक द बॉक्स. सो आई हैव मेड द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. तो आप लोगों को भी क्या करना है, पेंसिल से ही बॉक्स बनाना है इन योर एग्जाम्स और जो भी आपका होमवर्क आता है उसमें भी. फर्स्ट यू हैव टू मेक द बॉक्स. सेकेंडली यू हैव टू राइट फर्स्ट लाइन में स्कूल नेम, कोई भी स्कूल का नेम जो क्वेश्चन में आता है. अगर क्वेश्चन में नहीं है तो यू हैव टू राइट योर स्कूल नेम, खुद के स्कूल का नाम लिखना है. इंस्टीट्यूशंस नेम या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपको नाम दिया हुआ या अकॉर्डिंग टू द नोटिस वो आपको लिखना है, बट इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में ही नोटिस. ये देखो आई हैव रिटन इन कैपिटल लेटर्स. इन थर्ड लाइन एनी टाइटल, एनी सुटेबल टाइटल जो क्वेश्चन में अगर आप उसको रीड करोगे देन यू गॉट टू नो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में नोटिस है. तो उसी का फॉर एग्जाम्पल एनुअल डे के ऊपर है या फिर स्पोर्ट्स डे, तो कैपिटल लेटर्स में आपको ये दोनों ही कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं. नेक्स्ट है डेट. डेट लिखनी है आपकी प्रेजेंट जो करंट डेट है वो लिखनी है आपको. और एक चीज़ जैसे ये डेट तो मैंने आपको फॉर्मेट को समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, डोंट राइट डेट देन जो भी करंट डेट है. डेट के आगे डेट लिखना आपको सिंपल. अगर आज 30 है तो आप लिखोगे 30/4/21 या फिर 30th April 2021 ये लिखोगे आप उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, देन कंटेंट. कंटेंट में आप लिखोगे स्टार्टिंग में हम लोग स्कूल के बारे में लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. देन उसको आपको ये बताना है वो पर्टिकुलर इवेंट किस डेट पे होगा, उसका टाइमिंग्स क्या होंगे, देन वेन्यू. ये दीज आर मस्ट. देन लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड द नोटिस विद द सिग्नेटरी. सिग्नेटरी से आप उसको कंक्लूड करोगे. सिग्नेटरी का यहाँ पे मतलब होता है कोई भी नाम. कई बार जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है यू आर, विच मीन्स यू आर करके नाम मैंशनड है. तो यू आर करके अगर नाम मैंशनड है तो आप लोग वही नाम लिखोगे. यू कैन नॉट राइट योर नेम इन केस. लास्ट में डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मतलब टाइटल जो कोई भी जिस पोजिशन पर आप हो, जैसे कोई क्लास मोनिटर लिखा हुआ है, कई बार हेड बॉय हो सकता है, हेड गर्ल, जनरल सेक्रेटरी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डेजिग्नेशन लेते हैं. लास्ट में यू हैव टू कंक्लूड द नोटिस. जस्ट क्लोज द नोटिस, उसको आपको क्लोज करना है. ओके, नेक्स्ट. सो आई जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से. लेट मी जूम इन फर्स्ट. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप. As school's head boy, head girl put up a notice announcing the program. ये जो एक question है, general सा question है, इसी type के जो है event based question जो है आप लोगों को करने हैं. तो यहाँ पर आपको देखो question में लिखा हुआ है आपका school ने क्या organize करा है, blood donation camp. तो आप यहाँ देखो यहाँ पर कोई भी as such particular school का name is not mentioned here. तो कोई भी school का name यहाँ पर mentioned नहीं है, which means you have to write your school name. खुद के स्कूल का नाम यहाँ पे लिखोगे. कोई भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता यू आर हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल, कोमा लगा के नोएडा लिखा हुआ है, प्लेस में नोएडा लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे वैश मॉडल नहीं लिखोगे, नोएडा लिखोगे भिवानी की जगह. वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी नहीं आएगा, DAV पब्लिक स्कूल आएगा, फिर नोएडा आएगा. क्वेश्चन में जो डिटेल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है. यहाँ पे कोई भी एस सच स्कूल का नेम मेंशन नहीं है, तो वैश मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैपिटल में लिखोगे आप, फिर प्लेस में कोमा लगा के भिवानी, ये भी कैपिटल में है. सेकेंड लाइन में जो हमने अभी वी जस्ट डिड नोटिस कैपिटल में. थर्ड लाइन में टाइटल, वो भी कैपिटल में. फोर्थ लाइन में डेट. डेट आप देखो DATE वो नहीं लिखनी है आपको, उसके साथ सिंपल जो डेट है वो तो समझाने के लिए आपको लिखते हैं हम लोग. डेट क्या है कि डेट इट्स अ ब्लंडर, मत करा करो. ओके, नेक्स्ट. मूविंग ऑन टू द कंटेंट, इट्स लाइक दिस. ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट. दिस लाइन इज वेरी कॉमन, यू हैव टू पुट दिस लाइन इन एवरी नोटिस. ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज. ये लाइन सब में आपको यूज़ करनी है. अब देखो किस कौन सा जो नोटिस है यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर है. तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देखो, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने पुट किया है. इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, ब्लड डोनेशन कैंप, क्लियर. देन कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो उसके 3-4 दिन बाद की डेट लिख सकते हो. तो मैंने लिखा है 4th ऑफ मे 2021,
फोर्थ ऑफ मे को है, देन आपको लिखना है प्लेस, तो आप लिख सकते हो इन स्कूल प्ले ग्राउंड, इन स्कूल हॉल, इन स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. देन यू हैव टू राइट द टाइमिंग्स ऑल्सो. टाइमिंग में आप लिखोगे एट 10 AM, जनरली फंक्शन सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होता है. तो कई बार आप, अगर आपको ये लिखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो 10 AM लिखा है, अगर आपको लिखना है कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 10 AM टू 1 PM, इस तरह से आप लिख सकते हो. नेक्स्ट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स. आप बोलोगे जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं इस फंक्शन में, दे कैन टेक पार्ट, कर सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट. इफ दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट तो आप लिख सकते हो, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन सिंपली गिव देयर नेम्स टू द क्लास इंचार्जेस लेटेस्ट बाय मतलब लास्ट डेट होगा 3rd of May लिखा है यहाँ पे. आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हो. लास्ट में ये लाइन इट्स कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक में जाएगी. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड का मतलब होता है जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट में, वो हेड बॉय भी हो सकता है, नोटिस लिख रहा है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, हेड बॉय, क्लास मॉनिटर, कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक हेड्स हो सकते हैं, एग्जामिनर हेड, वो सब आ जाते हैं उसके अंदर. तो अंडरसाइंड लिखोगे तो वो क्लियरली होगा, नोटिस बिल्कुल करेक्ट होगा आपका. लास्ट में सिग्नेटरी में कंक्लूड करते हैं योर नेम. यहाँ पे खुद का नाम लिखोगे क्योंकि ऊपर कोई भी नाम गिवन नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे रखा है हेड बॉय हेड गर्ल, बॉयज़ लिखेंगे हेड बॉय, गर्ल्स लिखेंगी हेड गर्ल. तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है. और कोई भी अगर नोटिस आता है तो आपको यही मेथड फॉलो करना है. सिंपली क्या चेंज करोगे, टाइटल चेंज करना है आपको बस. यहाँ पे जो आपको टाइटल दे रखा है, अगर स्कूल नेम अलग दे रखा है तो उसको आप कर सकते हो, बाकी सेम है. दैट्स ऑल अबाउट नोटिस.